कला संस्कृति के साथ ही युवा पीढ़ी स्वच्छता के सरोकार से जुड़कर समाज के प्रति अहम योगदान दे सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय युवा समारोह समूह 3 प्रतियोगिता के समापन समारोह पर पहुंचे मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है और इस आयोजन में प्रतिभागियों के प्रदर्शन को देखकर पता चलता है कि उन्होंने इसके लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। कला संस्कृति के साथ ही युवा पीढ़ी स्वच्छता के सरोकार से जुड़कर समाज के प्रति अहम योगदान दे सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय युवा समारोह समूह 3 प्रतियोगिता के समापन समारोह पर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती और इस आयोजन में प्रतिभागियों के प्रदर्शन को देखकर पता चलता है कि उन्होंने इसके लिए कितनी कड़ी तपस्या की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन अपनी स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए बेहद कारगर है। हिमाचल प्रदेश की भाषा एवं संस्कृति कई विविधताओं को समेटे हुए है। उन्होंने कहा कि युवाओं का दायित्व है कि अपनी भाषा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजें और अपनी भावी पीढ़ियों तक इसे पहुंचाएं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहें क्योंकि इसके चंगुल में फंसकर बाहर निकल पाना लगभग असंभव है। उन्होंने कहा कि मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ युवाओं के हाथों में ही राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है। प्राचार्य डॉक्टर अंजू बत्ता सैगल ने विधायक नरेंद्र ठाकुर व विशिष्ट अतिथि अर्चना ठाकुर व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा। ऐसे उत्कृष्ट प्रदर्शन को परखना निर्णायक मंडल के लिए बेहद जटिल कार्य रहा होगा। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य डॉक्टर विनोद गंधर्व और गोविंद घोष ने बेहतरीन गजल गायकी से दर्शकों को रूबरू करवाया। वहीं निर्णायकों राजकुमार राठौर और मोहन राठौर ने अपने संबोधन में कलाकारों को नृत्य भाषा व संस्कृति की बारीकियों से अवगत करवाया। वहीं दिनेश गुप्ता ने कथक व कृष्ण भजन पर मनमोहक प्रस्तुति दी। महाविद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य डॉक्टर अंजू बत्ता सहगल ने मुख्य अतिथि नरेंद्र ठाकुर, विशिष्ट अतिथि अर्चना ठाकुर व अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पीटी के मुख्य सलाहकार होशियार सिंह, अध्यक्ष राजगोपाल शर्मा, भाजपा मंडलाध्यक्ष बलदेव धीमान, वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश शर्मा, पूर्व प्राचार्य पीसी पटियाल, सेवानिवृत्त प्रोफेसर जे के अग्निहोत्री, उप प्राचार्य प्रोफेसर रीटा शर्मा, आयोजन सचिव डॉक्टर मधुर स्वर मिश्रा, प्रोफेसर अमरजीत अत्री, डॉक्टर बाई एस पटियाल, डॉक्टर जगजीत सिंह पटियाल, प्रोफेसर कुसुम शर्मा, प्रोफेसर कल्पना चड्डा, डॉक्टर सतीश सोनी, प्रोफेसर बलजीत जम्बाल, प्रोफेसर नीलम गुलेरिया के अलावा गैर शिक्षक कर्मचारी व भारी संख्या में छात्र वर्ग उपस्थित रहा। एकल शास्त्रीय नृत्य स्पर्धा में शिमला के फाइन आर्ट्स कॉलेज शिमला ने पहला, RKMB शिमला और संजोली कॉलेज शिमला ने संयुक्त रूप से दूसरा और मंडी व हमीरपुर विद्यालय ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। लोक नृत्य स्पर्धा में राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर ने प्रथम, रामपुर राजगढ़ आनी और सांध्यकालीन महाविद्यालय शिमला दूसरे स्थान पर रहे। नालागढ़ डलियारा करसोग घुमारवी संगड़ा जोगिंदरनगर व बिलासपुर तृतीय स्थान पर रहे। विजेता टीमों को स्मृति चिन्ह ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।